बड़ी खबर चमोली से आपको बता दे, जहां बद्रीनाथ राजमार्ग लैंडस्लाइड के कारण बंद हो गया है। चट्टान का हिस्सा भर भराकर हाईवे पर गिरा। गौचर आईटीबीपी के पास आया है भारी मलबा। पहाड़ी से लगातार गिर रहा है मलबा, तो लगातार भारी बारिश, मौसम खराब की वजह से लोगों को दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। खबर चमोली से आपको बता रहे हैं, जहां बद्रीनाथ राजमार्ग लैंडस्लाइड के कारण एक बार फिर से बंद हो गया है। चट्टान का हिस्सा हाईवे पर गिर गया है, जिसकी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे चट्टान का हिस्सा सड़क पर आके गिर गया। गौचर आईटीबीपी के पास भारी मलबा जो है गिरा है, तो लगातार पहाड़ से मलबा गिरता हुआ नजर आ रहा है। तो वैसी ही एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं चमोली की, जहां एक बार फिर से बद्रीनाथ राजमार्ग लैंडस्लाइड के कारण बंद हो गया। तो उत्तराखंड के अलग अलग जगहों में भारी बारिश लगातार हो रही है, लैंडस्लाइड हो रही है। ऐसी एक तस्वीर चमोली से, जहां बड़ा हादसा होते होते टल गया। आम जनजीवन लैंडस्लाइड के कारण अस्त व्यस्त हो चुका है, लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, रास्ते बंद हो जा रहे हैं। ऐसे में एक बार फिर से बद्रीनाथ राजमार्ग लैंडस्लाइड के कारण बंद हो गया, जिसकी तस्वीरें आनंद टीवी की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो पहाड़ी क्षेत्रों से लगातार मलबा गिरता हुआ नजर आ रहा है। ऐसी एक तस्वीर चमोली से आई है, जहां बद्रीनाथ राजमार्ग लैंडस्लाइड के कारण एक बार फिर से बंद हो गया। तो चट्टान का हिस्सा भर भराकर हाईवे पर गिर गया है, और चट्टान का हिस्सा हाईवे पर गिरने से ये जो रास्ता है वो बंद हो गया है, तो लोगों की आवाजाही पर अब रोक लग गई है।